वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप DSSSB KVS या किसी भी टीचिंग या टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी टीम आप लोगों के लिए नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, इवन स्पेशल एंटिटी, लाइब्रेरियन, म्यूजिक, लगभग सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आप आज ही दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात है कि स्पेशल की कोचिंग जो आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेगी, तो कॉलेज के लेक्चरर अब आपको स्पेशल की कोचिंग करा रहे ओनली Study24 ऑफिशियल ऐप पे। तो आज ही हमारे साथ जुड़े, दिए हुए नंबर पे मैसेज करें और तैयारी करें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Study24 ऑफिशियल को और करे अपने DSSSB KVS का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। एजुकेशन टीचर्स और हमारे स्पेशल बच्चे, इनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है। एक अच्छी खबर ये है कि भारत सरकार ने 29 सितंबर 2022 है, ये देखेंगे आप, ये गजट नोटिफिकेशन करके जो हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर एक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप देखेंगे इससे एक शेड्यूल लगा हुआ है जिसके अंदर ये बहुत सारी बातें हैं जो एक मिनिमम नॉर्म्स हैं कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए, कितने क्लासरूम होने चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए और मिड डे मील बनाने के लिए होना चाहिए, प्लेग्राउंड होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, इस तरीके की नॉर्म्स है। उसमें जो है अमेंडमेंट किया है उन्होंने, और उस अमेंडमेंट से उन्होंने एक प्रोविजन एड किया है जिसके अंदर हरेक स्कूल, देश के हरेक स्कूल के अंदर कम से कम एक स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा, ये एक मिनिमम नॉर्म्स कर दिया है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसमें लिखा है कि पहली क्लास से लेकर पांचवी क्लास तक एक स्पेशल एजुकेशन होगा 10 बच्चों तक, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे हैं 10 तक उनके ऊपर एक होगा, और छठी क्लास से लेकर आठवीं क्लास तक जो है 15 बच्चों तक जो है एक स्पेशल एजुकेशन टीचर होगा। मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर सपोज करो सिक्स से एट तक 15 बच्चों से ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं स्पेशल एजुकेशन टीचर जो है हमारे बच्चे, तो फिर उनको 2 स्पेशल एजुकेशन टीचर्स देने पड़ेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। और ये, और ये जो किया है गवर्नमेंट ने, ये सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे कि अभी तक कानून के अंदर कहीं भी जो है स्पेशल एजुकेशन टीचर और जो चिल्ड्रन है विद डिसेबिलिटी स्कूल्स के अंदर, उनके अंदर कोई नॉर्म्स नहीं है, तो उसको नॉर्म्स को इन्होंने ये कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि टीचर्स के लिए, स्पेशल टीचर्स के लिए और स्पेशल बच्चों के लिए, दोनों के लिए एक अच्छी बात है। और अब सारे देश में इनको करना पड़ेगा, टीचर्स की भी संख्या बढ़ेगी है, और जब टीचर्स की संख्या बढ़ेगी स्कूल में आएंगे तो बच्चे भी बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि अभी तक तो जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो रहे थे, मुझे लगता है कि इस आने के बाद फर्क पड़ेगा। सिर्फ अभी ये चीज देखने की है कि ये जो नॉर्म्स है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर है, और ये 14 साल से 18 साल तक, मतलब जो आठवीं क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन अब सवाल एक ये उठता है जो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बारे में भी नॉर्म्स जो थे वो नोटिफाई करने चाहिए थे, और इसी नोटिफिकेशन में भी कर सकते थे, जो आठवीं से ऊपर के बच्चे हैं, जो 12वीं तक के बच्चे हैं, 9th से 12th तक के, उनके नॉर्म्स तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं कानून के अंदर लेट डाउन नहीं करे हैं, तो उसका क्या होगा? मुझे लगता है ये अभी, मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पे विचार करके, और इसलिए इसके भी निकालने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी एंटाइटल्ड हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी एंटाइटल्ड हैं, और ये जो एक एक्ट है राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 216, इसके अंदर भी वो एंटाइटल्ड है, लेकिन कहीं भी नॉर्म्स जो है उनके सेटल नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उसके नॉर्म्स को सेटल करे, सो दैट कि आठवीं तक के तो अब राइट टू एजुकेशन एक्ट में आ गए हैं, और जो है आठवीं से ऊपर के जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, और मुझे लगता है कि कहीं लॉ के अंदर जो है वो नॉर्म्स को लेट डाउन करे।
सो दैट कि हर एक स्कूल के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उसके लिए एक मैंडेटरी हो जाए कि वो जो है इतने बच्चों पे जो है एक स्पेशल एजुकेशन टीचर रखेगा। और एक टीचर तो जैसे मैंने बताया स्पेशल एजुकेशन टीचर हर एक स्कूल को रखना ही होगा है, तो और देखते हैं अभी आगे क्या होता है। थैंक यू।